हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल खाना खजाना में स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ अष्टमी और नवमी पे कन्या पूजन के लिए जो हम लोग माता का प्रसाद बनाते हैं उसकी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम एक कप काला चना लेंगे, उसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। देखिए, हमने पहले भिगो के रखा था, हमने इसको पानी से छान के निकाल लिया है। हमारे चने कितने अच्छे से फूले हैं। अब इनको साइड में रखते हैं और इन्हें बनाना शुरू करते हैं। गैस पे कढ़ाई रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को चटकने देंगे। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इनको थोड़ी देर भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें चना डालेंगे। चने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे मसाला हमारा जले नहीं। इसको ढक करके हम 5 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट हो गया, आइए इसे देखते हैं। देखिए, चने हमारे हो गए हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें धनिया से गार्निश करेंगे। गैस को बंद कर देंगे। अब इसको हम साइड में रख के हलवा बनाते हैं। उसके लिए हमें 1 कप सूजी चाहिए। गैस पे कढ़ाई रखेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें सूजी डालेंगे और सूजी को भूनेंगे। सूजी को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। देखिए, सूजी हमारी भून गई है, इसका सुनहरा कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसमें से दूसरे बर्तन में रखेंगे और हम गैस पर दूसरे बर्तन में दूध रखेंगे। दूध को हाई फ्लेम पे उबालेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। देखिए, दूध में उबाल आ गया है। इसमें हम सूजी डालेंगे। इनको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। हलवा हमारा रेडी हो गया है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम पूड़ी बनाने के लिए 500 ग्राम आटा लेंगे। इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह इसको दोनों हाथ से मसल करके मिक्स कर लेना है। देखिए, हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथेंगे। इसको अच्छे से गूंथ के इसका डो तैयार करेंगे। देखिए, हमने इसका डो तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि आटा हमारा सेट हो जाए। देखिए, 15 मिनट हो गया है। अब इसको हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। ये पूड़ी बनाने के लिए रेडी है। इस तरह से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। इनको बेलेंगे, अच्छे से गोली बना, इसका पेड़ा बना के इनको अच्छे से बेल लेना है।
थोड़ा सा आटा लगाएंगे इस पे। इस तरह से देखिए, इसी तरह हमें सारी पूड़ियाँ बेल लेनी हैं। ये देखिए हमने सारी पूड़ियाँ बेलनी हैं। अभी इन्हें उठा के साइड में रखेंगे और गैस पे तेल रखेंगे गर्म होने के लिए और इन्हें तलेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इनमें हम पूड़ियाँ डाल के इनको तलेंगे। अब हम पूड़ियों को पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी इनको तलेंगे। पूड़ियाँ हमारी तल चुकी है, अभी हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी की पूड़ियों को तल के रख लेंगे। हमने बाकी पूड़ियों को तल के रख लिया। ये देखिए हमारा माता रानी का भोग तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।